मजरूह बुलंदियों पर थी। आजादी की ताजी हवा का झोंका फिजा में ठंडक खोल रहा था, लेकिन मजरूह की रूह तक शायद ये ठंडक नहीं पहुंच रही थी। प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े थे और वामपंथी विचार दुनिया के नक्शे में पैदा हुए एक नए देश में समानता के अधिकार और शोषण के खिलाफ एक बड़ी जंग चाहते थे। जब 1947 में आजादी मिली है तो हम लोग सड़कों पर नाचे हैं, यहाँ ग्वालियर टैंक में और इस तरफ तमाम, और एक बहुत बड़ा कलम बनाया था, बहुत ऊंचा बांस का, उसका आजाद कलम, कि जब आजादी मिली तो हमारा कलम भी आजाद है, और वो हमारा सिंबल था और राइटर्स का, और हम राइटर्स थे, पोएट्स थे, जर्नलिस्ट थे, इन लोगों का उसमें ख्वाजा अहमद अब्बास वगैरह सभी शरीक थे। तो हम लोगों ने यहाँ रक्स किया था सड़कों पर, बड़ी खुशी मनाई थी। जब वो तरक्की पसंद तहरीक में रहे और आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी तो उन्होंने एक शेर कहा कि सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चिराग, जहाँ तलक ये सितम की सियारा चले। इसी पर अमल आदमी अगर करता रहे तो कभी जुल्म के खिलाफ कोई दब न जाएगा, वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठती रहेगी और ये सिलसिला ख़त्म होने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा। कभी कभी उनका लेखन आलोचना की सीमा तक जा पहुँचता था। बलराज साहनी भी उनके साथ थे। ऐसे ही एक बार मुंबई के परेल इलाके में मजदूरों की एक सभा हुई। मजरूह से दरखास्त की गई कि वो इस सभा के लिए एक ऐसा गीत लिखें जो अनपढ़ मजदूर भी समझ सकें। मजरूह ने गीत लिखा। गुस्सा चरम पर था। उस गीत की कुछ लाइनें इस तरह थीं: मन में जहर डॉलर के बसा के फिरती है भारत की अहिंसा, खादी की कैंचुल को पहनकर, ये कैंचुल लहराने न पाए अमन का झंडा इस धरती पर, किसने कहा लहराने न पाए। इस गीत से नौकरशाही खफा हो गई और मजरूह ऑर्थर रोड जेल में डाल दिए गए। बलराज साहनी भी जेल के भीतर थे। दोनों से कहा गया कि इस गीत के लिए माफी मांग लो, लेकिन इस जोड़ी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। करीब करीब 2 साल जेल में काटे। ये 1949 के आसपास की बात है। मजरूह जेल में थे और उनकी एक और सुपरहिट फिल्म अंदाज सारे देश में लोकप्रियता के नए कीर्तिमान बना रही थी। लोग मजरूह के लिए पागल हो रहे थे। पेश है इस फिल्म के कुछ गीतों की एक झलक।